दिवाली की सफाई की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम किचन की। सामान्यतः अधिकांश घरों में आउटसोर्सिंग सफाई का दे दिया जाता है, लेकिन किचन जहां पर अन्नपूर्णा माँ बसती है, जहां से पूरे परिवार को, घर के परिवार को ऊर्जा मिलती है, उसकी बात करेंगे। सर प्रथम आप किचन की सफाई बराबर, में उसमें आपकी सफाई में कोई आपका हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं कुछ उपाय जरूर दूंगा ताकि आपके घर पे अन्नपूर्णा माँ की कृपा सदा बरसती रहे। अन्नपूर्णा माँ की कृपा, माँ का नाम आता है तो पितृ का नाम आता है, तो आप कम से कम जहां पर आरओ रखा देता है, जहां पर आपका किचन का सिंक हैगा, वहां पर कोई गार्बेज बॉक्स, कचरा रखने की जगह, क्लीनिंग करने के वॉशिंग पाउडर ये ना रखें। वहां परमिट जहां पर आरओ रहता है, जहां पर परिंदा रहता है, जहां पर आप बर्तन थोड़े बहुत वॉश करते हैं, उस स्थान को थोड़ा बहुत सामान रखें, बाकी ज्यादा गंदगी वहां पर ना रखें। और आज शरद पूर्णिमा का दिन है, आज ही के दिन से शाम को अगर आप नहीं रखते हो, रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक खाली दिवाली का दीपक आप परिंदे के पास रख दें या आरओ के पास रख दें, वो कोने में रख दें, जहां से पानी लेकर आप भोजन बनाते हैं, उस दीपक रखकर उसमें एक रुई की बत्ती रोज शाम को 6 से लेकर 7 के बीच में गोधूलि वेला के वक्त एक रुई की बत्ती को घी में डुबाकर जलाकर प्रज्वलित करके उसमें दियर में रख दें, वह शायद 2 मिनट से ज्यादा जलेगा नहीं, जब तक रूई में घी रहेगा तब तक जलेगा, वह आपके पूरे के पूरे किचन की नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है। उसके बाद साफ सफाई आप अपने हिसाब से जरूर करेंगे, अगर पेस्टिसाइड का काम करवाया है आपने, उसके बाद वही मैं आपको उपाय दे रहा हूं कि कपूर, काली तिल और तुलसी तीनों का मिश्रण करके तो जरूर 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 वहां पर रख दे और उसका धुआं होने दे। जिस प्रकार नवरात्रि में हमने पूरे शरीर के अंदर की सफाई करी, फिर भी आपका एक वास्तु पुरुष के रूप में है, तो वास्तु पुरुष कल हमने हमारे बेडरूम की सफाई करी, आज हमारे आग्नेय कोण जहां पर किचन रहता है की सफाई के बारे में आपको बताया मैंने। सफाई ऐसी करें तल्लीनता से, अपने हाथ भी लगाए, मदद भी लें, क्योंकि आप प्रोफेशनली बिजी रहते होंगे, यू टेक द हेल्प बट सम टेक द वर्क फ्रॉम योर ओन, खुद भी पसीना बहाए। और इसी क्रम में हम कल और बात करेंगे सफाई की, लेकिन आज शरद पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन है, और शरद पूर्णिमा, हर पूर्णिमा जब फुल मून होता है, और शरद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या, अमावस्या पर जब नो मून होगा, जब दिवाली होगी, यह 15 दिन आप मुझसे जुड़े रहे, इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा दिवाली की सफाई के बारे में, दिवाली के उपायों के बारे में, लक्ष्मी माँ कैसे खुश रहे, उसी प्रकार हम आपसे जुड़े रहेंगे, और साथ ही में एक छोटा सा हम ध्यान में करेंगे ना। चलिए आइए हम ध्यान की दुनिया में आगे बढ़ते हैं।